और ये हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आए थे, लेकिन मैंने दो बच्चे इंडियन डॉग्स बाहर अडॉप्ट किए हुए हैं। तो लोगों ने मुझसे पूछा ये कौन सी ब्रीड है, बहुत अच्छी ब्रीड है। तो फिर उन्होंने मुझसे बोला कि हमें भी ला के दो ऐसे डॉग्स। तो अब ये लिली और डेजी, लिली और डेजी ये डेजी और लिली की उनको पिक्चर दिखाई। तो ये ब्रेंडा है कनाडा में, उनके पास ये दोनों जा रहे हैं एडॉप्ट। क्या मैं डॉक्टर नवनीत हूँ कनाडा से। ये मेरे हस्बैंड हैं, हम एक संस्था चलाते हैं अमृतसर में, AWCS 24/7 वो डॉग्स के लिए, स्ट्रे डॉग्स के लिए ट्रीटमेंट करती है। तो ये दोनों बच्चे हैं, इसका नाम डेजी है, ये लिली है, ये ऑर्फन थी। और ये हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आए थे, लेकिन मैंने दो बच्चे इंडियन डॉग्स बाहर अडॉप्ट किए हुए हैं। तो लोगों ने मुझसे पूछा ये कौन सी ब्रीड है, बहुत अच्छी ब्रीड है। तो फिर उन्होंने मुझसे बोला कि हमें भी ला के दो ऐसे डॉग्स। तो अब ये डेजी और लिली की उनको पिक्चर दिखाई। तो ये ब्रेंडा है कनाडा में, उनके पास ये दोनों जा रहे हैं अडॉप्ट। क्या प्रोसीजर है, कैसे जा रहे हैं, कैसे? इनका प्रॉपर वैक्सीनेशन रिकॉर्ड अप टू डेट होना चाहिए, इनको रेबीज़ और 7-in-1 के शॉट्स प्रॉपर होने चाहिए, इनके डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। फिर इनके जो है एक कंपनी है पेट फ्लाई, वो उनके पासपोर्ट ही आप बोल लो वो बनता है उनका। और इनके टिकट्स लगती हैं, थोड़े बहुत खर्चा होता है इनको ले जाने का, वो सारे पेपर्स पूरे होने चाहिए और फिर ये जा सकते हैं। लोग बाहर के डॉग्स मनाते हैं, जर्मन सागर हो गया, फुटबॉल हो गया, आप इंडियन डॉग्स वहाँ लेके जा रहे हो, क्या लोग? हम यही अपील करेंगे कि जो यहाँ के डॉग्स हैं वो बहुत वफादार, बहुत सुंदर, बहुत लॉयल होते हैं। बाहर जाके इनको भी आप इम्पोर्टेड ही बोलोगे, इनकी नस्ल बाहर जाके इंडियन इम्पोर्टेड ब्रीड बन जाती है। तो यही अपील है कि प्लीज़ आप यहाँ के डॉग्स अडॉप्ट करें, इंडियन डॉग्स को अडॉप्ट करें और बाहर के डॉग्स को ना अडॉप्ट करें, यही हमारी अपील है। एक तरफ आप डॉग प्रेमी हो, लोग उनसे काफ़ी होते हैं, डॉग बाइट हो जाते हैं, क्या कहना चाहते हो इसके लिए? देखो हमें तो कभी किसी ने डॉग ने बाइट नहीं किया, ठीक है। अगर आप किसी डॉग के पीछे भागोगे, पत्थर लेके उसको खाना नहीं दोगे, उसको हर बार शू करोगे, उसको चिढ़ाओगे, या भूखा रहेगा वो डॉग। और दूसरी चीज़, पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, लोग खाना नहीं डालते, जगह जगह आपने देखा होगा लिखा है पार्क में कुत्ते नहीं आएंगे अंदर, कुत्तों को खाना डालना मना है। आप एक इंसान को भी 10 दिन भूखा रखोगे वो भी अग्रेसिव हो जाएगा। तो ये तो ऐसे सबसे पहले पोस्टर हटने चाहिए कि कुत्ता यहाँ नहीं बैठेगा, कुत्ता यहाँ नहीं खाएगा। अगर आप किसी को खाना खिलाओगे तो वो क्यों अग्रेसिव होगा, आप खुद सोचिए बात। तो डॉग बाइट्स का कारण हमें ढूंढना है ना, एक तो ABC प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करिए और जो आपके आसपास डॉग्स हैं उनके प्रति आप संवेदनशील रहिए, तो डॉग बाइट्स नहीं होंगी। नाम अपने बारे में बताकर, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मोटिव क्या है? आई एम डॉक्टर नवनीत फ्रॉम कनाडा एंड आई एम रनिंग अ शेल्टर बाय द नेम ऑफ AWCS, एनिमल वेलफेयर केयर एंड सोसाइटी के नाम से। ये रंजीत एवेन्यू में संस्था काम करती है 24 घंटे। जो भी हमारे इंडियन डॉग्स हैं अगर बीमार हो जाते हैं, गाड़ी के नीचे आ जाते हैं, उनकी देखभाल के लिए हमारे पास 15 स्टाफ मेंबर्स हैं, पैरावेट्स हैं, वेट और सर्जन ऑन कॉल रहते हैं। ये जॉली सर हैं, ये मैनेजिंग ट्रस्टी हैं, मैं फाउंडर हूँ और ये प्रेसिडेंट है कवरप्रीत जी। तो हम सारे मिलके इस संस्था को चलाते हैं। तो हमारी यही अपील है कि हमारे पास बहुत केसेस आते हैं इंडियन डॉग्स जो बीमार होते हैं या जो सिक होते हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारी एक तो ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप आगे आके सब हमें सेंटर के लिए एग्स, राइस, आटा वगैरह अगर आप दे सकते हैं तो दें। दूसरी हमारी ये अपील है कि प्लीज़ आप कोशिश करके इंडियन डॉग्स को अडॉप्ट करें। अभी इस बार मैं जब आई हूँ तो मेरी एक बहुत अच्छे जानकार है मिस ब्रेंडा फ्रॉम कनाडा, जो दो इंडियन पपीज़ अडॉप्ट कर रही हैं, टोटली इंडियन स्ट्रे पपीज़ वो अडॉप्ट कर रहे हैं हमारे से यहाँ पे। तो मेरा इतना खर्चा हो जाता है उन इंडियन पपीज़ को बाहर ले जाने में कि मैं वो पैसा यहाँ यूज़ कर सकती हूँ, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए। और हमें एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न आगे आके हमें अपनी प्री नस्ल के डॉग, हम खुद इंडियंस हैं, हमें इंडियन डॉग्स को अडॉप्ट करना चाहिए। इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था मन की बात 2020 में कि आप इंडियन डॉग्स को अडॉप्ट करें, आप डिस्क्रिमिनेट ना करें, हमें उनकी बात भी सुननी चाहिए और इस तरफ ज़रूर ध्यान देना चाहिए। थैंक यू। आजकल बड़ा ट्रेंड बन गया, लोग जर्मन शेवर, पिट बॉल, ये वो जो इस्तेमाल लोग करते रहते हैं,
तो क्या अपील करना चाहते हैं कि आप एक तो जो है जर्मन शेफर्ड वगैरह ये ठंडे देश के डॉग्स हैं, ठीक है, तो मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि जैसे आप बोलते हो पिटबुल अमेरिका का स्ट्रे डॉग है, ठीक है, आप उसको यहाँ ला के इम्पोर्टेड करके आप उसको इतने लाखों में बेचते हो, ऐसे जो हमारा इंडियन डॉग है वो बाहर जाके इम्पोर्टेड डॉग बन जाता है। तो ये नज़रिए का फ़र्क है, हमें अपना नज़रिया बदलना है। डॉग को हम एक इम्पोर्टेड कार या इम्पोर्टेड टॉय के जैसे नहीं हम यूज़ कर सकते, हम इसको तभी अडॉप्ट करें अगर हम एक किसी जीव को लाइफ देना चाहते हैं। तो कोशिश करके हम इंडियन डॉग्स अडॉप्ट करें, और अगर आपको ब्रीड डॉग चाहिए तो आप शेल्टर से किसी अबैंडन्ड ब्रीड डॉग को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। इस वक्त हमारे पास अबैंडन्ड पिटबुल्स हैं, अमेरिकन बुली है, गोल्डन रिट्रीवर है, आप उनको जाके हमारे शेल्टर से भी अडॉप्ट कर सकते हैं। आज दिन देखा जाता कि जो डॉग्स बाइट बहुत ज़्यादा करती हैं, क्या घूमते हैं, काफ़ी लोगों को काटते हैं, वीडियो भी आती है, काफ़ी लोगों की जान भी गई, तो क्या कारण है? आपको एक वीडियो आएगी कि डॉग बाइट ने डॉग ने काटा है, आपको वो एक वीडियो सर्कुलेट होगी, आपको वो हज़ारों वीडियोस नहीं दिखती जिसमें लोग डंडे लेके भागते हैं, डॉग के पीछे मारते हैं। कितनी वीडियोस आई, अभी राजस्थान में सेकंड फ्लोर से एक फीमेल डॉग को फेंक दिया और सीखे सिलाइयाँ उसके अंदर घुस गई, पूरी आंट्रियाँ उसकी बाहर आ गई, वो वीडियो वायरल नहीं हुई। अभी मुक्सर में 2 साल पहले किसी ने एक स्ट्रे डॉग के एक वो रॉड के आगे चाकू लगा के उसको मार दिया इतनी बुरी तरीके से, वो वीडियो वायरल, वो वीडियो नहीं आपको दिखती। मतलब अगर आप बोल रहे हो कि डॉग बाइट्स बहुत है तो हमें क्यों नहीं काटते, हमें तो नहीं काटा, हमें तो किसी डॉग ने अभी तक नहीं काटा। तो आप उस डॉग को पहले खाना खिलाइए, ठीक है। दूसरी चीज़, हमें स्टरलाइजेशन के थ्रू, ये तो फैक्ट है, हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है, ठीक है। पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे होगी? अगर गवर्नमेंट अपना काम ढंग से करेगी, ABC प्रोग्राम ढंग से चलेगा, SPCA में स्टरलाइजेशन प्रॉपरली होंगी, तो अपने आप ही जो है पॉपुलेशन कम हो जाएगी। कोई डॉग आपको नहीं बोलेगा कि मुझे ना पकड़ो, मुझे स्टरलाइज ना करो, ठीक है। काफ़ी NGO हैं जो जब ऐसी वीडियो आती है तो आगे आती हैं, ठीक है ना, जब किसी इंसान को काटती हैं, किसी के बच्चे की मौत हो जाती है कुत्ते के कारण, NGO परिवार के पास क्यों नहीं पहुँचती? उस परिवार के पास क्यों पहुंचती है NGO जिसने कुत्ते को मारा होता है, जिसके घर का? आप कह रहे हो ऐसे NGO भी हैं इंडिया, अपने पंजाब में भी हैं और हिंदुस्तान में ऐसी NGO हैं, जब किसी डॉग को मारा जाता है तो वो NGO पुलिस को लेकर, अधिकारी को लेकर उन पर कार्रवाई करने के लिए पहुंचती है। तो आप डॉग को मारोगे तो जो डॉग, अगर डॉग किसी को मार देता है, किसी के घर का बच्चा चला जाता है, फिर NGO उस परिवार से मुलाकात क्यों नहीं करती? नहीं, हमारे साथ तो ऐसा कभी हुआ नहीं, हम उस परिवार से भी मुलाकात करेंगे, रूट कॉज के लिए हम ज़रूर जाएंगे, ऐसा हम, मुझे नहीं पता कौन सी NGO की बात कर रहे हो, हमने तो ऐसा कभी कुछ किया नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप देखोगे कि अगर एक जानवर को आप, एक इंसान को भी चलो आप 10 दिन भूखा रख दो, वो इंसान भी दूसरे इंसान को मार देगा खाने के लिए, ठीक है। तो आप जो आसपास जानवर हैं उनके प्रति आप प्यार शो करो, आप उनको खाना दो, उनको डोसाइल रखो, उनको आप, उनको डर ना लगे आपसे, ठीक है, तो वो नहीं काटते, ठीक है। हमने बहुत सी वीडियोस ये भी देखी हैं कि जो है पोक करते हैं डॉग्स को, कभी पत्थर मार दिया, कभी चप्पल मार दिया, कभी डंडे से मार दिया, कभी कुछ, तो वो मारते मारते जो जानवर इतना अग्रेसिव हो जाता है, उसको अपने डिफेंस में वो क्या करेगा, उसको कुछ समझ नहीं आएगा तो वो यही करेगा, ठीक है। गिनती बढ़ती जा रही है, इसमें कौन फेल है, किसका जिम्मेवारी किसकी है जो लगातार इनकी गिनती बढ़ रही है? डॉग की तो बिल्कुल नहीं है, कुत्ते की तो कोई गलती नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट की गलती है जो ABC प्रोग्राम नहीं ढंग से लागू करते, उन पेट ओनर्स की गलती है जो बाहर से ब्रीड डॉग्स लाते हैं और फिर उनको अबैंडन कर देते हैं, हम सबकी गलती है जिनका माइंडसेट बना हुआ है कि हमें इम्पोर्टेड ब्रीड चाहिए, इम्पोर्टेड ब्रीड चाहिए, इम्पोर्टेड कपड़े चाहिए, इम्पोर्टेड पर्स चाहिए, कुत्ता भी इम्पोर्टेड चाहिए, ये हम सबकी, ये पूरी सिस्टम की गलती है, और हम सिस्टम की गलती के लिए एक निहत्थे बेजुबान जानवर को दोष दे के उसको मार पीट या उसको काट नहीं सकते।